देखिए हम जो सिचुएशन में थे वहाँ से 307 सौ सात पर पहुँचना बहुत ही कमेंडेबल टोटल है और डेफिनेटली uh, आज थोड़े चीज़ें हमारे तरफ नहीं गए बट ये एक लर्निंग का वे और ऑब्सली हम जाके इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और वेन वी कम बैक इन द नेक्स्ट गेम कम विथ न्यू आइडियाज़ और uh, और थोड़ा रीड करेंगे विकेट के बारे में वहाँ पर कैसा खेलेगा अदर देन दैट आई फेल्ट दैट तीन सौ सात बहुत ही अच्छा टोटल था हम्म mm, खेला तो सही अभी मैं टी ट्वेंटी खेला यहाँ पर आके एंड एक्लमेटाइज भी हो गया था थोड़ा दो सेशन ही मिला प्रैक्टिस का बट जैसा आपने कहा कि इजी uh, नहीं है डायरेक्टली अभी मैं इंडिया से आके यहाँ पर खेला और विकेट्स में चेंजेस आते रहते हैं हर जगह सब जगह सेम विकेट्स नहीं मिलता तो वही एक uh, मुझे लगता है चैलेंज है जो आप फेस करते हो और मैंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है सब सिचुएशन में एंड जस्ट हैव टू टू हैव टूप अडेप तो, टू इट See, they played a fantastic knock, both of them. They knew which bowlers to target at a specific time, and the way Latham took over that over, I think that completely shifted the momentum towards them. He wanted to come in and he wanted to build that partnership. And since they've been playing together for so many years, I'm sure that they know their strengths and weaknesses pretty closely. And I believe that their partnership completely changed the scenario of the game and that was a crucial phase for us as well to get the wicket and uh, if we would have got one wicket we would have been under their skin and you know the situation would have been completely different but kudos to them the way they found that strength in that phase and converted those loose balls loose deliveries into brilliant boundaries and sixes and uh, they were fearless in their approach and that's what i feel that <clears throat> हेल्प देम टू रीच वे देवर अप्रोच तो ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक रहता है। मुझे ज़्यादा आगे के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता जो मेरे हाथ में अभी वो है ट्रेनिंग करना और जैसा अभी बैक टू बैक गेम्स हो रहे हैं उसमें आई वॉन्ट टू सी टूट दैट मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है एंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहूँ और प्रेजेंट में रहूँ यही है मेरा माइंड और ज़्यादा प्लेयर्स लोग आते जाते तो रहेंगे द कंसिस्टेंसी इज़ गोइंग टू मैटर तो वही मेरा माइंड है अभी एंड अच्छा बुरा तो होते रहेगा ऊपर नीचे होते रहते हैं हर एक के करियर में स्टेबल तो किसी का होता नहीं तो मैं अपने आप को किसी भी तरह मोटिवेट करने देखता हूँ बुरे सिचुएशन में और एंड आई जस्ट टर्न अ डेफियर व्हेन पीपल आर टॉकिंग आउटसाइड आई जस्ट ट्राई टू बी यू नो इन माय जोन और वो ही मुझे हेल्प करता है आज ये सीख मिलेगा कि जब ही हम हमें वो एक विकेट मिला था आई थिंक हम थोड़ा और प्रेशर बना सकते थे उन पर जैसा आके लेथम ने स्टार्ट दिया उनको वो अगर थोड़ा हम कप करते थे उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली वी वुड बीन ऑन टॉप ऑफ देम एंड वो समय पे अगर थोड़े फील्डर्स थोड़े अटैकिंग एकदम उसके आग के सामने रहते थे थोड़े तो और प्रेशर थोड़ा बिल्ड करते थे तो मुझे लगता था कि कुछ चेंजेस आ सकता था बट अगेन एज यू सेट कि ये लर्निंग है और आगे अगले मैच में हम देखेंगे कि कितना हो सकता है बिकॉज 50 ओवर्स में पूरा टाइम एनर्जी रखना इजी नहीं है बट uh, वो पार्टनरशिप भी 200 का हो गया था तो थोड़ा सा बॉकडाउन भी हो गए थे फील्डर्स एंड सॉफ्ट ग्राउंड है तो वो होते रहता है बट या एज यू सेड इट्स अ लर्निंग कर्व से लर्निंगली ठंड तो बहुत है हम सबके पास हैंड uh, व था एंड वही थोड़ा टफ है फील्डिंग के लिए भी क्योंकि बॉल हाथ पे एकदम जोर से लगता है आके आदत नहीं है बट डालना पड़ेगा अभी हाँ वो अभी आप जाके तो सीधा टी ट्वेंटी मोड में नहीं खेल सकते हो फिफ्टी ओवर्स में बिकॉज बहुत टाइम रहता है हर एक प्लेयर के पास एंड uh, अगर आपको विकेट देख के पता रहेगा कि ये पार स्कोर है तो उस हिसाब से आप अपना uh, बैटिंग प्लान कर सकते हो और अडाप्ट करना पड़ता है विकेट पे क्योंकि हर विकेट सेम नहीं खेलेगा और फिफ्टी ओवर्स इतना बड़ा गेम है कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं दस ओवर के बाद कुछ अलग ही हो सकते हैं क्योंकि सनसेट होता है फिर ड्यू आ जाता है तो फिर पता नहीं आपको विकेट एक्जैक्टली कैसा खेलेगा तो उस हिसाब से देखिए माइंडसेट तो एकदम रन्स बनाने का ही होना चाहिए एंड uh, बॉलर्स भी एकदम स्ट्रेटजाइज करके आते हैं ऐसे नहीं कि हम uh, एक ही फ्लो में खेल सकते हैं जो टी ट्वेंटी में होता है इसका तो मुझे पता नहीं अभी एक मैच में एक मैच में क्या हो सकता है और ये तो मैनेजमेंट का जॉब है मेरा नहीं है एंड हम यही देखेंगे कि वी आर थरो विथ आर प्रेपरेशन्स एंड प्रोसेस एकदम राइट रखेंगे और uh, जैसा मैंने आपको कहा हम आगे का, का ज़्यादा नहीं सोचेंगे अभी कल रेस्ट है तो रेस्ट करेंगे थोड़ा एंड परसों विल कम विथ ऑल प्लेसिंग